दोस्तों मैं जितेंद्र टेकवॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है वन प्लस सिक्स जो कि आज इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस सिक्स वर्सेज वन प्लस फाइव टी का कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ तक बात करें वन प्लस सिक्स की, तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ़ोन है और इसमें जो इसका बैक कवर में आप देख सकते हैं टोटल ग्लास यूज़ किया गया है और इसमें आपको नॉच डिज़ाइन मिलेगा। ये दोस्तों वन प्लस सिक्स की स्पेसिफिकेशंस हैं। और जो जहाँ तक दोस्तों जो मेन डिफरेंस है कि इसमें जो सीपीयू यूज़ किया गया है वो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 यूज़ किया गया है। और जो जो बाकी आपको चेंजेस नज़र आएंगी दोस्तों, वो डिस्प्ले में थोड़ा सा साइज़ को बढ़ाया गया है, 6.28 इंच का इसमें डिस्प्ले है और इसमें जो फुल व्यू डिस्प्ले है और इसमें नॉच दिया गया है। और जहाँ तक दोस्तों कैमरास की हार्डवेयर सेम है, लेकिन कुछ इसमें सॉफ्टवेयर के चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पिक्सल साइज को बढ़ाया गया है और कुछ और एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप 4K वीडियो आप इसमें निकाल सकते हो रियर कैमरा से, 60 FPS से वीडियो एडिटर का फीचर डाला गया है। तो कुछ दोस्तों इसमें जो है इंक्रीज़ किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन में। और जो मेन डिफरेंसेस दोस्तों जो है वो है इसका डिस्प्ले का, डिस्प्ले के साइज़ का और स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नॉच डिज़ाइन है। और जो दोस्तों और जो आपको जो अलर्ट स्लाइडर है उसको भी राइट हैंड साइड पे लेकर आ गए हैं वन प्लस सिक्स में। और जो जो इसका डुअल सिम स्लॉट है उसको लेफ्ट साइड पे ले गए हैं। और जो जो पोजीशनिंग है कैमरास की दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको वर्टिकल कर दिया गया है, और जबकि वन प्लस फाइव टी में ऊपर दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड में। और आप वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको वन प्लस फाइव टी का भी जो मैंने उसकी वीडियो शूट की है। और कैमरा में दोस्तों जो और चेंजेस किए गए हैं, पिक्सल साइज़ को बढ़ाया गया है और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन डाली गई है रियर कैमरा में। ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि वन प्लस फाइव टी पर नहीं था। और ये जो 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 छोटे छोटे ट्वीक्स किए गए हैं इससे वन प्लस सिक्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। और दोस्तों जो मेन डिफरेंस है वो तो डिस्प्ले का ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम इसमें बीजल हैं, उसमें भी कम बीजल थे, लेकिन इसमें नॉच डिज़ाइन मिलेगा। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों उसको भी पिल साइज़ का किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इससे भी दोस्तों ये जो कुछ आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे वन प्लस सिक्स में कंपेयर टू वन प्लस फाइव टी। और इसमें दोस्तों आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस मिलेंगे, ये आपको मिलेगा दोस्तों 6 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा वर्शन है दोस्तों 8 GB रैम प्लस 120 GB इंटरनल स्टोरेज। और एक अवेंजर एडिशन भी निकाला गया है जो कि लिमिटेड मार्वल एवेंजर एडिशन है, जिसका स्पेसिफिकेशन है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। और जो 6 GB प्लस 64 जो प्राइस है वो दोस्तों स्टार्ट होता है 3499 से, और बाकी प्राइसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। और ये देखिए और जो जो सिमिलैरिटीज़ हैं, इसमें भी 3300 mAh की बैटरी रखी गई है और वो भी डैश चार्ज के साथ आती है। वन प्लस फाइव टी में भी डैश चार्ज था, बैटरी स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट वन प्लस सिक्स का ये है कि इसमें लेटेस्ट 845 प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का ऑक्टाकोर, और बैटरी की जो परफॉर्मेंस है कंपनी क्लेम करती है और बढ़िया निकलेगी क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई है लेटेस्ट चिपसेट के साथ। इसमें भी दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर है, वन प्लस फाइव टी में भी ये फीचर्स थे, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और डिज़ाइन जरूर चेंज किया गया है, इसमें ग्लास डिज़ाइन है। और जहाँ तक और चेंजेस है और चेंजेस की बात करें तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं कि ये भी एंड्रॉयड ओरियो 8.1 ऊपर ऑक्सीजन OS की इस पर लेयर है। 5T में भी आपको ये चीज़ें मिलती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों ये इसके जो जो बेसिक चेंजेस हैं डिस्प्ले में है, प्रोसेसर में है, कैमरा ट्विकिंग की गई है, और जो डिज़ाइन में जो अलर्ट स्लाइडर है उसको राइट हैंड साइड पे पोजीशन कर दिया गया है, और जो
सिम स्लॉट है, डुअल सिम स्लॉट है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया गया है। और अब दोस्तों मैं अब नेक्स्ट पोर्शन में आपको वन प्लस 5T की ये मैंने वीडियो शूट की है। इस ये देखिए, ये वन प्लस 5T है, इसका भी दोस्तों डिस्प्ले वैसा ही है। इसका डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 1080x2160 है, ये 18:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, जबकि 6 का 19:9 है, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2280 है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें सिम स्लॉट राइट हैंड साइड पे है, पावर बटन राइट हैंड साइड पे है, और इसका जो अलर्ट स्लाइडर है इसका लेफ्ट हैंड साइड पे है, और वॉल्यूम रॉकर्स भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। वेयर एज 6 में आपको जो अलर्ट स्लाइडर है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों इसकी, तो इसमें भी डुअल कैमरा है, 16 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल, और फ्रंट शूटर भी 16 मेगापिक्सल है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलेशन नहीं थी, और आपको वन प्लस 6 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलेशन दे दी गई है, और उसमें आपको जो पिक्सल साइज़ है उसको भी बढ़ाया गया है, प्लस उसमें 4K वीडियो शूटिंग का फीचर डाला गया है विद वीडियो एडिटर फीचर्स, जो कि आपको वन प्लस 5T में नहीं मिलते हैं। और बाकी इसमें दोस्तों 5T में भी आपको दो वेरिएंट मिल रहे थे, 6GB प्लस 64GB और 6GB प्लस 128GB, वेयर एज 6 में आपको 8GB प्लस 128GB मिलेंगे। और जहाँ तक प्राइस की बात करें तो जो वन प्लस 5T की दोस्तों प्राइस है 6GB प्लस 64GB वो आपको मिल रहा है 33,000 में, और 6GB प्लस 128GB जो है उसकी प्राइस है 37,990 रुपीज़, यानी कि 38,000 रुपीज़। कंपेयर टू दैट वन प्लस 6GB प्लस 64GB जो वर्शन है उसकी प्राइस रखी गई है 35,000 रुपीज़, और 8GB प्लस 128GB की प्राइस है 40,000 रुपीज़, और जो लिमिटेड मार्वल एडिशन है, एवेंजर्स मार्वल एडिशन है, उसकी प्राइस है 45,000 रुपीज़ विद 8GB प्लस 24/6GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों ये चेंजेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं वन प्लस 6 और वन प्लस 5 में। तो अगर आपके पास वन प्लस 5T है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये आपको मिलेगा, ये डिफरेंसेस हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं चाहते तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड